गाइस वेलकम बैक टू दीपक जाट शॉप ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, स्वागत करते हैं हमने इस नए वीडियो में। और आज का दिन हो गया है जुतिया का दिन, मतलब कल जुतिया पूजा है। और हमारे बाजार में दुकानें सज गई हैं फल की और मीठा की, जो कि फल फूल चढ़ता है, जो माता है बहने जुतिया की पूजा रहती है, तो उसको हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। और गाड़ी की आवाज़ भी बहुत आ रही है बैकग्राउंड में, तो सोचते हैं कि अब यहाँ क्या किया जाए क्या ना किया जाए, मिलते भी आपसे थोड़ी देर में। और हम फल लेने के लिए आ गए हैं मार्केट में, एक दुकान पर आ गए हैं, भाई साहब दुकान पर बैठे हुए हैं। ये देखिए सामने दिख रहा है फल, कैसे किलो का हो सब फल? मिलाएंगे नहीं, सब मिलाएंगे नहीं, अलग अलग बताओ तब ना। अलग अलग सौ बार, 30 बार, 50 बार। अच्छा, सेब कैसे है? 80 रुपया, 60 रुपया। ये नाशपाती है क्या? हाँ ये देखिए नाशपाती है, तो दे दो पाँच, पाँच फल चढ़ता है ना, पाँच फल मिला के दे दो सब आधा आधा किलो। चलिए गाइस फल लेने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाकी देखिए कितनी दुकानें सज गई पूरे मार्केट में, आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाते हैं हम, बने रहेगा हमारे साथ। कितने भीड़ है हमारे मार्केट में और कितनी दुकानें सज चुकी हैं फल की। उधर मीठा की दुकान लगा हुआ है, इधर सामने फल की दुकान है, उधर मीठा है, इधर भी फल की दुकान लगी हुई है। हर तरह के फल यहाँ लगे हुए हैं, हर तरह के डिजाइन। ये देखिए ये क्या है यार, क्या सुपत्रा, सुपत्रा फल होता होगा। और ये देखिए खीरा, नारियल भी बिक रहा है, नारियल भी चढ़ता है। और ये देखिए सिंघाड़ा, ये है सीताफल, आप लोगों ने शायद सीताफल का नाम सुना होगा। और ये क्या है भाई? सिंफला, तीन फला, ये तीन फला है। और ये क्या है? तरबूज है क्या? तरबूज है, ये नाशपाती अनार है, नाशपाती फले तो बहुत है। ये देखिए, और इधर खिलौने की दुकान सज गई है। ये कितने खाओ? और पूरी फल की दुकान सज गई है, कस्टमर भी पूरे मार्केट में घूम रहे थे, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और हम तो ले नहीं पाए। और खिलौने देखिए मार्केट में कितना सजी हुई है, भाई साहब की दुकान पे अच्छे अच्छे खिलौने थे, गुड़िया थी, कार थी, संग था, डमरू था, हर प्रकार के खिलौने थे। आप लोग को दिखाते हैं, और भी दुकानें हैं, हम जहाँ जहाँ पहुँच रहे थे वहाँ से मार्केट में शूट कर रहे थे। और सोचा कुछ ना कुछ तो कैमरे में कैद कर लिया जाए कि हम फैमिली को दिखाएं कि हमारे मार्केट में आज कैसी सजी है दुकानें। देखिए सुग्गा है, गुड़िया है, हाथी है, घोड़ा है, चक्री है, तरह तरह की दुकानें थे। अभी हम जाएंगे घर पे तो मम्मी से बात करेंगे, तो क्या क्या मम्मी बोलेंगी तो लेंगे हम। और ये भाई साहब मोबाइल चला रहे थे, ये इनकी शॉप है, तो गाइस जुड़े रहिएगा, घर चलते हैं, मिलते हैं हम। मैं घर आ गया हूँ बाजार से फल लेके, अभी खिलौना लेना बाकी है। तो मम्मी आती हैं, अभी मम्मी स्कूल गई हैं, तो मम्मी जब आएंगी तो उनसे पूछ के हम पूरे मार्केट से शॉपिंग कर लेंगे, तो आप लोग के साथ दिखाएंगे, शेयर करेंगे अपना हर चीज़ सामान है। और इधर हमारी भाभी जी सोनपरी को दूध पिला रही हैं, सोनपरी अब मुझे देख रही है, देख सकते हैं आप लोग। परी कैसी लग रही हो? भाभी जी बैठी हुई हैं, परी दूध पी रही है, देखो देखने के चक्कर में दूध नहीं पी रही। और आप लोग ने देखा, मैंने आपको मार्केट की हर चीज़ें दिखा दी, दुकानें हमारे बाजार में सज चुकी थी, बहुत अच्छा लगा। अभी शाम को तो और ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इसलिए मैंने सुबह सुबह फल खरीद लिया है। हमारे दीदी के लिए बहुत ही दुख का दिन है, दुख का दिन इसलिए है कि आपको बता दे रहा हूँ, अभी तो मैं वहाँ से आ ही रहा हूँ, और बता दे रहा हूँ कि आज हमारे दीदी के जो दीदी के ससुराल के अजय दादा तो एक्सपायर हो चुके हैं। अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ मिट्टी से, और आने पर मैं तो वहाँ गया, हर चीज़ देखा, तो बहुत दुख हुआ मुझे, और भगवान की आत्मा को शांति दे। और दादाजी बहुत अच्छे थे, क्योंकि दादा हम जब भी जाते थे तो दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, हर चीज़ पूछते थे कि कैसे हो कैसे नहीं हो, मतलब एक एक चीज़ वो पूरी जानकारी ले लेते थे कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम दुआ करते हैं, और आप भी दुआ करिएगा कि दादाजी जहाँ भी गए हुए हैं वहाँ पे उनकी आत्मा को और उनके शरीर को तो हम सस्तर नमन करते हैं कि आप दादाजी जहाँ भी रहिए, आप जहाँ भी रहिए हम लोग के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
और ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे और आपका छत्रछाया हम सबके ऊपर हमेशा के लिए बना रहे। तो आइए चलते हैं ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं और कुछ वहाँ के कुछ शॉर्ट वीडियो हैं तो हम लोग को दिखाते हैं, तो बने रहेगा वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं गाइस तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और प्यार देते रहेगा, क्योंकि जो लोग हमारा वीडियो भी देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो आप लोग कर लीजिएगा। अब आज इस दुखद मौके पर मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि रात का समय भी हो गया है, रात को 11 बज चुके हैं, मैं वहाँ से आ चुका हूँ। आने के बाद मैं फिर नहाया धोया कपड़ा जो भी होता है सिस्टम तो मैंने हर चीज़ कर लिया है, फिर खाना वाना नहीं खाया हूँ, क्या बताएं। अब इसी हम शेयर नहीं कर सकते कुछ चीज़ें जो कि हमारी बातें हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, तो चीज़ हर बातें शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपको थोड़ी सी हम वीडियो दिखाना चाहेंगे दादाजी का कि उनकी इसी बीच सानवी हमारे पास आ गई रोते रोते, तो हम उसको अपने गोद में लेके इसको खिला रहे थे, शांत करा रहे थे। और मुझे तो पहले सबसे पहली खबर दीदी के देवर चंदन ने दिया और मैं जैसे ही मुझे उन्होंने बताया दादा इंस्पायर कर गए, मैं उसे सुनते हुए अपनी बाइक स्टार्ट किया और यहाँ पे चला आया। आने पर फिर दादाजी के अंतिम दर्शन भी मैंने कर लिया, बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे दर्शन मिल गया और दादाजी बहुत ही अच्छे थे, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। The next day. दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ। और सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया दादी जी का वीडियो जो पूनम जी के ससुराल का था, तो दादाजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और हम लोग को छोड़ के चले गए हैं, और भगवान ईश्वर दादाजी की आत्मा को शांति प्रदान करे और जहाँ भी रहें हम लोग का भी ध्यान देते रहें, अपने परिवार का भी ध्यान देते रहें। और जैसे देखा है और जैसा कि आपको दिखाया मैंने मार्केट्स में जो हमारे यहाँ ज्योतिया की कल पूजा जो है वो दुकानें बाज़ार में सज चुके हैं फल की, और हम फल ले चुके हैं, कुछ खिलौना लेना बाकी है। अगर गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी होगी और कुछ तो नहीं कह सकते हम, आप लोग प्यार देते रहेगा, मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे। अपना वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई लव यू।